तो दोस्तों आपका फिर स्वागत है WWE 2K17 में, जहां पे हम लोग कर रहे हैं बैकलैश 2017 के प्रेडिक्शंस। जैसे कि आप लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा कि हमने किया था केविन ओवेंस वर्सेस एजे स्टाइल्स फॉर द US चैंपियनशिप, लेकिन आज जिस मैच की तरफ हम बढ़ रहे हैं वो है सिक्स वुमेन टैग टीम मैच, जहां पे नायोमी, बेकी लिंच, शार्लेट एक तरफ वर्सेस द वेलकमिंग कमिटी जिसमें है तमीना, नटालिया एंड कार्मेला। तो शेकअप के बाद शार्लेट द क्वीन पहुंची स्मैकडाउन पे, जहां पे उसको चाहिए था टाइटल मैच अगेंस्ट नायोमी, लेकिन बेकी लिंच भी उसी के पीछे पड़ी हुई थी। तो इन तीनों को एक ही टैग टीम में डाल दिया, क्या तीनों एक साथ काम कर पाएंगे? लेकिन उनके अगेंस्ट जा रहे एक वेलकमिंग कमेटी जो अचानक से फॉर्म हुई एंड उनने सबको पीटना स्टार्ट किया। तो मेरा मानना है, मेरा ओपिनियन इस मैच के लिए होगा कि इसको जीतेंगे स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियन की टीम, नायोमी की टीम विद बेकी लिंच एंड शार्लेट। काफ़ी पिट चुके हैं वो वेलकमिंग कमेटी के हाथों से, लेकिन अब वो सब उनको वापस देना है। तो फिर मैं जानना चाहूंगा आप लोगों से कि आपको क्या लगता है कौन जीतेगा इसमें, द वेलकमिंग कमेटी या फिर नायोमी की टीम? तो प्लीज मुझे कमेंट से बताना ना भूलिए। अब चलते सीधा गेम की तरफ, WWE 2K17 के तरफ, जहां पे सेटिंग हो चुकी है फास्ट मोमेंटम लेजेंड डिफिकल्टी। हियर वी गो। तो सबसे पहले रिंग की तरफ बढ़ रही है अपनी स्मैकडाउन चैंपियन नायोमी। क्या ये लोग काम कर पाएंगे एक दूसरे के साथ? तीनों के तीनों राइवल्स है, बेकी लिंच, शार्लेट एंड नायोमी, भाई सब के सब टाइटल के पीछे पड़े। अगर तीनों एक दूसरे को ही मारने लगे तो इनके लिए बहुत ही टफ हो जाएगा। लेकिन तमीना, नटालिया एंड कार्मेला तीनों तहलका मचा रहे हैं। नई अलायंस है इन तीनों की, लेकिन काफ़ी फोर्स के साथ पीट रहे हैं ये सबको। काफ़ी डोमिनेट किया है एंड परफेक्टली वर्क कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। वेलकमिंग कमिटी रेडी। दूसरी तरफ ये स्टार्ट हुआ हमारा सिक्स वुमेन टैग टीम मैच, वहां से नायोमी स्टार्ट करते हुए, तमीना ने टॉच किया लेकिन नायोमी यहां पे मारते हुए किक्स पे किक्स। ले भाई, तमीना पे लातों की बरसात कर दी है। हमारे साइड वुमेन्स चैंपियन की कमी नहीं है, तीनों के तीनों वुमेन्स चैंपियन रह चुके हैं। शार्लेट विद अ पंच फ्रॉम बिहाइंड, व्हाट अ हरिकेन राना, बहुत सही। लेकिन तमीना फटाफट एस्केप मारते हुए वापस रिंग के अंदर, व्हाट अ किक, अंदर आते लात पड़ी, सेकंड लात पकड़ ली उसने। तमीना बहुत ही बड़ी फोर्स यहाँ पे, पावर हाउस, एंड आराम से नायोमी को उठा के पटका दूसरी तरफ। प्रॉब्लम में नटालिया अंदर आते हुए अब, ओहो एक से बढ़कर एक पार्टनर्स ये लोग। नटालिया टेक्स कंट्रोल, आयरिश व्हिप, नायोमी इन ट्रबल एंड व्हाट अ बैकड्रॉप, उछाल के पटका स्मैकडाउन की वुमेन्स चैंपियन यहाँ पे पिटते हुए इनके हाथ। वेलकमिंग कमेटी काफ़ी जोरों शोरों से सबको पीट रही है। ले भाई, गुड रिवर्सल बाय नायोमी, लात पड़ी उल्टा। मोमेंटम गेन करने की कोशिश करेगी ये नई फॉर्म टीम, हाथ तोड़ा एंड रशियन लेग स्वीप। नायोमी काफ़ी फोर्स में, गोज टू द टॉप रोप, इंजरी से वापस आते चैंपियन बनने के बाद, व्हाट अ ड्राइव, व्हाट अ क्रॉस बॉडी, एंड बंदी वहीं पे बेहोश है। नायोमी गोइंग फॉर अनदर मूव, लेकिन उससे पहले जॉ ब्रेकर पड़ गया, नटालिया इन कंट्रोल, पीछे की तरफ पटका उसने, बिग मूव्स इन कमिंग, ओप्स, सबमिशन मूव्स की बाचा यहाँ पे, क्रेडल में फंसा लिया है। ओ तेरी, सबके सब रिंग में आ चुके हैं, बड़ी फाइट होने वाली है, भागे एक दूसरे की तरफ, सबमिशन मूव से निकली नायोमी किसी तरह एंड भगा दिया उसको। शार्लेट रिंग के अंदर, बेकी लिंच पिट चुकी है बैकड्रॉप के साथ, नायोमी दूसरी तरफ, बूम ड्रॉप किक पड़ा। कार्मेला अभी भी रिंग के बीच में घूमते हुए, डिस्क्वालीफाई ना हो जाए, जिसने भी पहले पिन किया वो जीत जाएंगे। रेफरी डिस्ट्रैक्टेड थोड़ा सा, नायोमी किक्स आउट फटाफट, थोड़ी सी हालत ख़राब हमारे यहाँ पे। शार्लेट को पीट दिया गया बाहर ही, बेकी लिंच वहाँ रोप्स पे नहीं है, कोई भी नहीं टैग देने के लिए। ये है भाई नई फॉर्म टैग टीम का थोड़ा सा डिसएडवांटेज, किसको नहीं पता क्या करना है। नायोमी विद एन आयरिश व्हिप, डबल टीम मूव के लिए शार्लेट को टैग कर दिया है, एंड आयरिश व्हिप उल्टा वापस टर्न बकल पे सर मारा इसका। ओ द क्वीन, उल्टा नायोमी को एक पंच मारते हुए, दिस इज बैड, एक दूसरे के साथ काम नहीं कर सकते ये लोग। नटालिया पे चाटे की बरसात, मुंह पे पड़ा एक एल्बो इनटू द रोप्स, शार्लेट को उल्टा फेंक दिया। क्वीन यहाँ पे आके सबके ऊपर डोमिनेट करना चाहती थी, लेकिन सब उल्टा पड़ चुका है यहाँ पे। नटालिया बिग सुप्लेक्स, हार्ट फाउंडेशन की एक बड़ी मेंबर,
नाम आगे ले जाते हुए हार्ट का। व्हाट अ सिग्नेचर मूव, घूम के क्लोज लाइन एंड हम लोग वही बेहोश। नाटी बाय नेचर, ओप्स गोइंग फॉर दी शार्प शूटर फिनिशिंग मूव। शार्लेट इन ट्रबल, सबमिशन मूव लग चुका है। क्या शार्लेट क्रॉल कर पाएगी वहां तक? रोप ब्रेक बहुत ही पास में, बेकी लिंच सेव करते हुए उधर ड्रॉप किक, तोड़ा उसने सबमिशन मूव एंड नटालिया को बैक ड्रॉप के साथ पटका है वहां पे। शार्लेट भी अब प्रॉब्लम में, हिल तक नहीं रही वो अपनी जगह से। नायोमी घूम रही है यहाँ पे, दोनों के दोनों स्लाइड होते हुए बाहर। नायोमी बाहर ही फाइट करते हुए दो लोगों के साथ एक साथ। ओ नटालिया विद अ स्पीयर, बेकी लिंच को अंदर आने का मौका तक नहीं मिला। शार्लेट ट्राइंग टू रिकवर, नटालिया हमारे पीछे खड़ी है। गुड ब्लॉक एंड बूम विद अ शोल्डर ब्लॉक यहाँ पे, ये पड़ी लात, दो लाते। शार्लेट द क्वीन पिटने वालों में से नहीं। बड़ा मूव एक्सप्लोडर सुप्लेक्स, गजब का एक्सप्लोडर सुप्लेक्स था। ले भाई नटालिया के पास रिवर्सल्स ही रिवर्सल्स हैं, कुछ कर ही नहीं सकते इसके अगेंस्ट। फिर घसीट लिया रिंग के बीच में, गोइंग फॉर अ पिन, अ क्विक पिन, वन बच्चे, आराम से सबके सब रिंग में घुस जाते हैं एक साथ। तमीना अभी भी अंदर है। शार्लेट के पास सिग्नेचर मूव, लेकिन उससे पहले नटालिया ने पकड़ लिया हमको। नटालिया ने पूरा कंट्रोल रखा हुआ है मैच का एंड गर्दन पे टांग फंसाई, चोक करने की कोशिश, रेफरी काउंट आउट भी नहीं कर रहा है, कम ऑन, वहीं कोने में फंसा लिया है एंड पावर बॉम ऑन फॉर द टर्न बकल। शार्लेट का सिग्नेचर मूव अभी तक यूज नहीं हो पाया, फटाफट तीसरे टैग के लिए कामेला बिल्कुल फ्रेश इन द रिंग। शार्लेट वैसे ही हालत खराब है, कम ऑन उठो, रिवर्सल्स हो नहीं पा रहे, वेरी लेट, टू फास्ट, सबके सब मिस टाइम्ड। एट लास्ट डीडीटी पड़ा कामेला में, सबसे वीक होगी उनमें से। शार्लेट द क्वीन सिग्नेचर मूव के साथ रेडी, बूम, क्या एल्बो दिया है। बंदी उठ रही है फटाफट, कामेला बिल्कुल फ्रेश है, पीटना उसको थोड़ा और पड़ेगा। स्कूप स्लैम, गजब का मूव, उठ, बैंग, व्हाट अ क्लोज लाइन, बंदी बिल्कुल बाहर। शार्लेट ऑन द टॉप रोप, व्हाट अ मून सॉल्ट, सिग्नेचर मून सॉल्ट है ये शार्लेट का, फ्रॉम द टर्न बकल टू द आउटसाइड, बहुत ही बड़ा डैमेज। शार्लेट के पास फिनिशिंग मूव, चार्ज फिनिशर लगा दिया उसने। शी इज रेडी टू फिनिश कामेला हेयर विद अ बिग मूव, नेचुरल सिलेक्शन, क्या ये खत्म कर पाएगा? हियर वी गो, बूम। तमीना वहां पे बहुत ही चालाक, रेफरी को डिस्ट्रैक्ट करते हुए जैसी मूव लगा, रेफरी अभी भी डिस्ट्रैक्टेड। वन टू, बहुत ही स्लो काउंट्स, लेकिन व्हाट अ मूव भाई। अब थोड़ा सा कंट्रोल आया हमारे पास, तमीना को मार दिया गया वहां पे विद हरिकन राणा। बेकी लिंच वेट करते हुए अपने बारी के लिए एंड यही मौका है डबल टी मूव का। बेकी लिंच हैज बीन टैग्ड इन, फॉर्मर चैंपियन, सीधा लात मारते हुए बूम विद अ क्लोज लाइन, फिर दोबारा अपने कॉर्नर में रखा है उसको। कामेला थोड़ा सा ट्रबल झेलते हुए यहाँ पे विद अ पावर बॉम्ब, कामेला पिटे जा रही है उनके टीम के लिए, काफी डैमेज ले चुकी है अब तो। बूम, पंचेस पे पंचेस, बंदी को वहीं पे लटका दिया है एंड इन्हीं रोप्स का यूज करते हुए व्हाट एन आर्म ब्रेकर। बेकी लिंच टैग करते हुए नायोमी को, टैग करने नहीं वाला था मैं, गलती से हो गया, लेकिन नायोमी बैक इन द रिंग, सिग्नेचर मूव रेडी था बेकी के पास। वैसे कामेला यहां पे फटाफट रिवर्सल करते हुए गोज इन टू द पिन, वन, वो लोग थोड़ा से प्रॉब्लम में, डेस्परेट पिन हो रहे उनकी तरफ से। शार्लेट वहां पे देखते हुए, नायोमी अनएफेक्टेड बाय दैट किक, ड्रॉप किक मारी उल्टा, नायोमी कंट्रोल ले चुकी है इस मैच का। अब स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियन खत्म करने की कोशिश करेगी इसको, व्हाट अ फेस प्लांट, सिग्नेचर मूव आ चुका है नायोमी के पास, फिर उठाया हमने, दे दिया सिग्नेचर मूव कार्टव्हील के साथ, बूम, बहुत ही गजब का मूव था ये। नायोमी रेडी, गोज फॉर द स्प्रिंट, फिनिशिंग मूव देने की कोशिश, नायोमी पे रिवर्सल भाई, तमीना ने हमें बाहर पकड़ लिया,
नटालिया को टैग मिल चुका है। इतना सब कुछ हो रहा है इस मैच के अंदर, बहुत ही तोड़ मैच छह लड़कियों के बीच में। तमीना वापस घसीटते हुए रिंग के अंदर, नायोमी इन ट्रबल अगेन, फिनिशिंग मूव रेडी था हमारे पास बिल्कुल। फील द ग्लो भाई, फील द ग्लो। नटालिया अंदर आई, रेयर व्यू, शिट, मारा ही नहीं इसने, व्हाई। लेकिन नटालिया हमें उल्टा मारते हुए पूरा फायदा उठाया इसने। नायोमी की हालत खस्ता, नायोमी फिर डाउन, लेकिन नेक ब्रेकर मारने की कोशिश भाई। नटालिया बहुत ही ज्यादा खतरनाक विद द सुप्लेक्सेस एंड ड्रॉप किक से फॉलो किया, सिग्नेचर मूव आ चुका है इसके पास दोबारा। नायोमी बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम में, खत्म हो चुकी है ऑलमोस्ट। ओ दे दिया उसने नाठी बाय नेचर, व्हाट अ बिग क्लोज लाइन, फिर दोबारा पिन पे, 1-2 बचे, बच गए भाई, बच गए, खत्म था मैच यहीं पे, खत्म था। ओ दो दो लोग मारने की कोशिश, कामेला पे रिवर्सल, टांग पकड़ ली, घुमा दिया हमने नटालिया पे, व्हाट अ क्लोज लाइन, घूम के मारा है। क्या है, हम चार्ज फिनिशर मार पाएंगे? नायोमी रेडी, रेयर व्यू लग गया, रेयर व्यू लग चुका है, नटालिया गई काम से, 1-2 तमीना ने बचा लिया लास्ट मोमेंट पे, लास्ट मोमेंट सेव, तमीना ने हमें पटक दिया है। गजब का मैच, मूव्स कहां कहां से नहीं आ रहे, किसी को नहीं पता। नायोमी रोल्स आउट, उसकी हालत खराब है। बेकी लिंच को टैग करना सबसे समझदारी की बात हो गई यहाँ पे। नटालिया बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में, वो टैग के लिए नहीं जा सकती, लेकिन हमने टैग जरूर कर दिया है। बेकी लिंच बैक इन द रिंग, नायोमी जाने से पहले दो पंचेस छोड़ते हुए इन टू द नेक ब्रेकर, बहुत सही। बेकी लिंच फटाफट गोज टू द टॉप रोप, क्या कॉम्बो है यहाँ पे, बूम विद द लेग ड्रॉप, गजब का लेग ड्रॉप था। सिग्नेचर मूव रेडी हमारे पास, रिंग के बीच में पकड़ लिया, द एक्सप्लोडर सुप्लेक्स, बूम, गजब का एक्सप्लोडर सुप्लेक्स। बेकी लिंच थोड़ा सा टॉन्ट करते हुए अपने फैंस के लिए, चारों तरफ से शोर बढ़ता ही जा रहा है। चार्ज फिनिशर रेडी हमारे पास, हियर वी गो, फिनिशिंग मूव लगा दिया, डिसआर्म हर, थोड़ी सी गलत जगह पे उनके पास, लेकिन हाथ तोड़ने की बहुत कोशिश, ऑलमोस्ट टैप आउट करते करते बची, तमीना ने बचा लिया इसको। ये ले, तमीना को मारना पड़ेगा, बार बार बीच में आ रही है, बार बार बीच में आ रही है, उड़ के गई है तो। नटालिया पे केक मिस हुआ, ओ शिट, पीछे पटक दिया नटालिया ने। बेकी लिंच तब भी औरों से थोड़ी ज़्यादा स्टैमिना एंड पावर के साथ अंदर आई है। नटालिया के सुप्लेक्सेस बहुत ही कमाल के, बहुत ही पावरफुल, एक के बाद एक सुप्लेक्सेस, फिर गर्दन पकड़ ली इसने, लेकिन बेकी रेडी थी वहाँ पे, रिवर्सल किया, बाहर निकली उस होल्ड में से, पंच मारा एंड क्लोज लाइन उल्टा पड़ गया। नटालिया पे मूव्स मारना बहुत मुश्किल हो रहा है हमारे लिए, पीछे से उसने आर्म ड्रैग के साथ पटक दिया, हाउ कम, बैंग हाथ तोड़ा उसने इस बार, सबमिशन मूव से बच के वो बाहर निकल चुकी है, गोज फॉर दी टैग, उसको पता है उसकी हालत खराब हो रही है। नटालिया पे रिवर्सल, तमीना इज इन द रिंग, बूम, लात मारने की कोशिश, तमीना रेफरी के पीछे छुपते हुए, ड्रॉप किक पड़ चुका है इसके मुंह पे। कम ऑन बेकी, यही मौका है तेरे पास टू फिनिश ऑल दिस, फिर दोबारा कोने में फेंका है तमीना, अब तमीना की बारी है पिटने की। व्हाट अ टॉर्पेडो डीडीटी, नटालिया डिस्ट्रैक्ट कर रही है रेफरी को बार बार, ये लोग डिस्क्वालीफाई कर देना चाहिए ऐसे लोगों को। सिग्नेचर मूव रेडी है हमारे पास, एक्सप्लोडर सुप्लेक्स नंबर 2, बैंग, तमीना जैसे हैवी वेट को फेंका हमने, फिनिश कर पाएगी क्या यहाँ पे दोबारा से? बे नटालिया को क्यों देख रही है, नटालिया हमें डिस्ट्रैक्ट करते हुए फिनिशिंग मूव लगाया हमने। ये ले भाई, डिसआर्म हर, फिर दोबारा बहुत ही खतरनाक सबमिशन मूव, लेकिन रोप ब्रेक ने बचा लिया। व्हाट, सबके सब अंदर घुस चुके, कामेला पे मुक्का, लेकिन तमीना ने फायदा उठाया, पीछे से आके बूम टांग तोड़ डाली भाई। डिस्ट्रैक्शन थोड़ा सा भी लोग फायदा उठा लेते, अपने कॉर्नर में ले जाओ, जितने देर अपने कॉर्नर में रखो बढ़िया है। डबल टीम मूव, बेकी लिंच एंड शार्लेट एक साथ काम करते हुए, ओ भाई टर्न बकल पे बैठा दिया है, बड़ा मूव आने वाला है,
सुपर सुपर बैकड्रॉप, बूम, तमीना वहीं पे डाउन, गोस फॉर द पिन, रेफरी देख क्या रहा है भाई, कल मुहूर्त निकालेगा, 1 2 बच गई तमीना, कामेला तो बस चले जा रही है यहाँ से वहाँ, नो इफेक्ट उसके ऊपर, ओप्स, तमीना गुस्से में क्लोज लाइन मारते हुए, अब नहीं ज़्यादा झेलेगी वो, हमारे साइड में चढ़ने की कोशिश, नायोमी वहीं पे किक मारा, कुछ नहीं हुआ लेकिन, तमीना का डबल एक्स हैंडल हम पे लगता हुआ, शार्लेट थोड़ी सी तेज तरार लेकिन उसी के हाथ में फंसी जाके, कॉर्नर टर्न बकल पे हमें चढ़ा दिया है भाई साहब, तमीना क्या कर रही है, उल्टा लटका दिया इसने कॉर्नर में हमें, दिस इज़ नॉट अ गुड पोजिशन, ट्री ऑफ वो पोजिशन में गर्दन पकड़ ली भाई साहब, चोक होल्ड्स पे चोक होल्ड्स, भागने की कोई जगह नहीं, ओ सुपर किक मारा उसने, तमीना के पास फिनिशिंग मूव आ चुका है, सिग्नेचर के बाद वो फटाफट भागी है यहाँ से, शी इज लुकिंग फॉर अ टैग एंड उसने टैग किया नटालिया को, अगर इन तीनों के बीच में खुद ही पंगा हो जाए तो बहुत बड़ी बात है, कार्मेला की टांग पकड़ी शार्लेट ने, बहुत ही स्मार्ट बाहर से अटैक करते हुए लोगों को, नटालिया बाहर आई, शार्लेट अंदर एंड पकड़ लिया अंदर आते ही, रिंग के बीच में घसीटा है, रशियन लेग स्वीप, ले फिर लात पड़ी इस बार, सिग्नेचर मूव रेडी है हमारे पास, शार्लेट रेडी विद द सिग्नेचर मूव, भागते हुए विद अ स्पीयर, व्हाट अ बिग स्पीयर, बंदी वहीं पे बेहोश, व्हाट अ बिग मूव, अपने साइड खींचा हमने नटालिया को, अपने कॉर्नर की तरफ ले गए हम लोग, कम ऑन फिनिशिंग मूव, अबे उठ गई उससे पहले, बूम, व्हाट अ बिग बूट, बंदी वहीं पे बेहोश, ये सही मौका होगा टू फिनिश दिस ऑल, फिनिशर लगा दिया वहीं पे, ले भाई फिगर 4 लेग लॉक, जिसको हम फिगर 8 में बदलेंगे, अबे बेकी लिंच पिटी वहाँ पे, आर्च लगा दिया है, क्या टैप आउट होगा यहाँ पे, नायोमी कहाँ चढ़ गई है बेवकूफ, अबे रोको उसको, अबे कार्मेला ने इजी से ब्रेक किया यहाँ पे, बहुत ही इजी तरीके से, कोई उसको रोक नहीं रहा है, कार्मेला को पीछे से मारा हमने भाई साहब, हड़बड़ी मची हुई है यहाँ पे, हड़बड़ी, कौन किसको मार रहा है समझ नहीं आ रहा, लोगों के पास स्टैमिना ही नहीं है मारने के लिए, पहली बात तो, कोने में फेंका अपने, डबल टीम मूव देने की कोशिश, नायोमी बीच में आई लेकिन पीछे से फायदा उठाया शार्लेट ने, नायोमी हमारे ही बॉक्स में लेट चुकी है एंड नटालिया को वहीं पे आयरिश व्हिप किया है अपने ही दोस्त के ऊपर, शार्लेट एक तीर से दो निशाने मारते हुए दोनों के दोनों डाउन, अपने टैग पार्टनर को भी मार दिया उसने, नायोमी की तो हालत ख़राब है, बेकी लिंच से कुछ हम थोड़ा सा फ़ायदा उठा सकते हैं इस मैच के में, ओ पूरा मूव मिस लेकिन फ़ायदा अभी भी शार्लेट के पास है, ऊपरी हाथ उसी के पास, कम ऑन टॉन्ट्स आ रहे हैं शार्लेट की तरफ से, अटक गई है वो, टॉन्ट नहीं मार रही, वाओ गेम बिल्कुल पागल हो चुका है, संभाल नहीं पा रहा, 6 मूवमेंट टैग मैच यहाँ पे, शार्लेट ब्लडी अटक चुकी है कोने में, व्हाट अब मार रही है टॉन्ट वहाँ पे, सिग्नेचर मूव उल्टा मार दिया उसने, लेकिन शार्लेट भागी फटाफट बाहर, भाई ये उल्टा पड़ गया पूरा केस हमारे ऊपर, कहाँ लटका दिया, नटालिया को बाहर, ये ले भाई धकेल दिया, तमीना को धकेलने की कोशिश, बिग बूट टू द फेस, शार्लेट बेहोश, बहुत ही गलत मूव यहाँ पे, हमारे टैग पार्टनर सारे ऊपर, नटालिया नीचे, काउंट आउट हो रहा है उसके ऊपर, क्या वो उठ भी पाएगी, उसके पास जान भी बची है, थोड़ी सी बची है, सबकी हालत ख़राब है, शार्लेट भी स्ट्रगल कर रही है उठने में, कम ऑन ब्रिंग इट ऑन, क्वीन यहाँ पे रेडी है ऊपर, नटालिया लेकिन अंदर नहीं आना चाह रही रिंग में, ओके शी इज़ बैक, अबे मारना बेवकूफ, बहुत बेवकूफ़ी हो रही है अब इस मैच के अंदर, फिनिशिंग मूव रेडी, ये ले बेकी लिंच एंड नायोमी अंदर भागते हुए एंड उल्टा मुझे मार दिया, गजब है ये लोग, गजब, चाटा दिया नटालिया ने उल्टा, क्यों पागलपंतियाँ कर रहे हैं लोग, एंड बूम डबल एक्स
सुप्लेक्स बचे। मैच लंबा खिंचता ही जा रहा है, लड़कियों ने कमाल कर दिया इस मैच में। लेग्स ड्रॉप बाय नैटालिया। भाग ले शार्लेट भाग ले, तेरी बस की बात ना है। अब ये मैच जा चुका है तेरे हाथ से, ऊपर भी नहीं चढ़ पा रही है, तो अंदर बाहर जाना ही मुश्किल हो गया इसके लिए। नैटालिया को पकड़ा एंड रशियन लेग स्वीप। भागने का वक्त हो गया है, स्टैमिना ही नहीं है शार्लेट के पास। तो भाई नायोमी पागल हो चुकी है वहाँ खड़ी खड़ी। बेकी लिंच को अंदर अटैक किया है, उस पर थोड़ी जान बची है। ले भाई दोनों मिलकर लात मारेंगे, काम ही नहीं कर पा रहे एक दूसरे के अगेंस्ट, एक दूसरे को मार रहे लोग। नैटालिया के पास दो दो फिनिशिंग मूव है एंड सिग्नेचर भी आ गया। बूम, अब तो गए काम से हम लोग, अब तो गए काम से। उसने दे दिया भाई सिग्नेचर मूव, पावर बॉम्ब, बूम, वहीं पे पिन, वन बचे। वो तो अच्छा हुआ बेकी के पास हेल्थ है थोड़ी, रोल मारना पड़ रहा है बार बार। ले भाई ज़्यादा टॉन्ट हो गया तेरा, ज़्यादा टॉन्ट हो गया। नैटालिया को खींचने की कोशिश, लेकिन कितने रिवर्सल्स है इसके पास है। नैटालिया वापस आते हुए सिग्नेचर मूव रेडी, एक्सप्लोडर सुप्लेक्स, पटक दिया दूसरी तरफ। नैटालिया उछलते हुए गई है, तमीना किक नहीं खा रही है। कितने रिवर्सल्स है इनके पास। बेकी लिंच की हालत खराब, क्या कर रहे हो एक दूसरे के ऊपर चढ़ रहे हो भाई। दोनों क्रॉल कर रहे हैं एक दूसरे के ऊपर, कॉमेडी बनता जा रहा है ये मैच। बेकी लिंच हाथ छोड़ने की कोशिश, लेटे लेटे हवे में, उसको पता भी नहीं, शायद अंधी हो चुकी है, शायद उसको दिख नहीं रहा कुछ। इनटू बेकी लिंच रिवर्सल करते हुए उसका सुप्लेक्स, बूम ड्रॉप किक, कुछ नहीं दिख रहा यहां से हमें। नैटालिया थोड़ी सी प्रॉब्लम है, भाई तुम लोग अंदर आओगे उसको मारने। फिनिशिंग मूव लगा दिया, डिसआर्म हर। क्या ये आखिरी मोमेंट होगा इस मैच का, तोड़ दो हाथ तोड़ दो, कोई नहीं आ रहा अंदर। सबमिशन डिसआर्म हर के साथ जीतते हुए ये लोग रो धो के ने ये मैच निकाला है। तीनों ने अपना अपना फिनिशर दिखाया, लेकिन नायोमी स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियन, क्वीन शार्लेट एंड बेकी लिंच इस मैच को जीतते हुए। वाओ, तो दोस्तों आपको क्या लगता है कौन जीतेगा, वेलकमिंग कमेटी या फिर इन दिनों की टैग टीम? प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताइए। आप लोग आई बटन पे भी वोट कर सकते हैं फटाफट। मैं मिलूंगा नेक्स्ट टाइम विथ मोर WWE 2K17। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, तब तक के लिए बाय बाय।